नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट और पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। इंदु सरकार का नाम तो अब आपने सुनी लिया होगा। जी हां, इंदु सरकार यानी आपातकाल पर बनी एक फीचर फिल्म। वो इंदु सरकार इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। आपातकाल पर बनी ये फीचर फिल्म पर जैसे आफत काल आई हुई है। इमरजेंसी से जिस पार्टी ने सबक लेने का वादा किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के लिए देश से माफी मांगी, अब इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी एक काल्पनिक फिल्म को लेकर उसी कांग्रेस पार्टी को सख्त एतराज हो चला है। यह फिल्म है जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर की इंदु सरकार, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस फिल्म के विरोध में मुंबई से लेकर नागपुर तक, पुणे तक, महाराष्ट्र के तमाम शहरों पर जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। और नौबत यहां तक आ गई है कि मधुर भंडारकर की फिल्म के प्रमोशन के तय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने तक की हिम्मत अब मधुर खुद नहीं जुटा पा रहे हैं। यानी यह फिल्म इंदु सरकार के लिए आफत काल का वक्त है। इसीलिए आज हम कुछ सवाल उठाने वाले हैं कि क्या कांग्रेस इमरजेंसी का सच नई पीढ़ी के सामने आने देने से डर रही है? आखिरकार क्यों कांग्रेस का प्रोटेस्ट है? क्या इंदिरा गांधी इतनी छोटी हस्ती थी इस देश की, इतनी मशहूर प्राइम मिनिस्टर, कि एक फिल्म उनकी साख को खराब कर सकती है? सवाल नंबर तीन जो आज हम पूछेंगे कि क्या मधुर भंडारकर ने बीजेपी आलाकमान को खुश करने के लिए इंदु सरकार बनाई है ताकि आने वाले वक्त में उनको अवार्ड और रिवॉर्ड मिल सके? आफत काल में इंदु सरकार, और इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। बीजेपी के दलालों को, अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, आफत काल में इंदु सरकार। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। इमरजेंसी मतलब इंदिरा जी, उस जमाने में, उस टाइम में क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा, ये वही बता सकती है। और वो बताने के लिए यहाँ नहीं है तो आप उनको नेगेटिव नहीं कर सकते। आज से आपका टारगेट 350 नहीं 700 नसबंदियां है। There were some people who are talking about intolerance in this country, and the Congress workers are doing such things. So Congress party should look into such matter. किसी एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता है। इस देश के लोगों का इंदिरा जी के लिए एक बहुत विशेष स्थान है अपने दिल में, और कोई चित्र, कोई चलचित्र, कोई किताब, वो जो परिपेक्ष है, वो जो भावना है भारत के लोगों की श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रति, उसको नहीं बदल सकती। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म इंदु सरकार को 28 जुलाई को देश भर के थिएटरों पर प्रदर्शन का इंतजार है। सरकारें चैलेंजेस से नहीं, चाबुक से चलती है। लेकिन उससे पहले ही फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया, वो भी ऐसा कि फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर होटल में बंधक बनने पर मजबूर हो गए। तू और तेरे संगठन के सारे लोग सारी जिंदगी जेल में घिसटते रहोगे और सड़ते रहोगे, और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। 150 लोग का मॉब होटल में आया, बड़ा ही डरावना सिचुएशन था, क्योंकि वो आके वहाँ पे लॉबी में नारेबाजी करने लगे, चिल्लाने लगे। न मुंबई में, न पुणे में, और न ही नागपुर में फिल्म के प्रमोशन का कार्यक्रम धरा का धरा रह गया। मधुर को गिला है कि इमरजेंसी पर आधारित एक काल्पनिक कहानी पर इतनी हाय तौबा क्यों मची है। क्या ये वक्त का फेर है कि कुछ लोग एक फिल्म से डर गए हैं? आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। पिक्चर तो मेरी कहानी इंदु सरकार की है, इंदु और उसके पति की कहानी है। तो आप लोग ना, मेरी कोई पिक्चर बायोपिक है, ना मेरी पिक्चर कोई व्यक्ति विशेष है,
तो आपको क्यों इतना टेंशन हो रहा है? क्या आपकी पार्टी इतना ये है कि मैंने एक फिल्म से आप डर गए? ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। सच है, ये फिल्म 70 के दशक की याद दिलाती है, इमरजेंसी की याद दिलाती है, लेकिन बदले हालात में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कांग्रेस नगाड़ा बजा रही थी, अपनी फिल्म को लेकर मधुर भंडारकर को राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा, प्रिय राहुल गांधी, मुझे पुणे के बाद नागपुर का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, क्या आप इस उपद्रव से सहमत हैं? क्या मेरे लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? फिल्म के कुछ हिस्सों पर एतराज तो सेंसर बोर्ड को भी है, तभी तो सेंसर बोर्ड ने मधुर भंडारकर को 17 कट्स लगाने को कह दिया, लेकिन मधुर इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मधुर को असल दिक्कत फिल्म के सियासी विरोध से ज्यादा है, जो उन्हें उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला लगता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। आपको पर्सनली नहीं देखना, मत देखिए फिल्म, लेकिन मुझे मेरा हक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने का ये हक है। आप नकार तो नहीं सकते कि इमरजेंसी नहीं हुई थी बोल के? ये जानबूझकर कोई ना कोई सरकार का एजेंडा चलाने के कुछ अगर लोग काम कर रहे हैं और तोड़ मरोड़ कर अगर कोई तथ्य पेश करें तो गलत बात है। हम तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस का इंदु सरकार का विरोध अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है? एक बार फिर सुनिए हमारा सवाल, आपके जवाबों का मुझे शो के दौरान लगातार इंतजार रहेगा कि क्या कांग्रेस का फिल्म इंदु सरकार का विरोध अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP space देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP space देकर एन लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं, #HTP और #इंदु सरकार के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। मेहमान जो खास इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में कांग्रेस के अलीमुद्दीन खान साहब हैं, VHP के विजय शंकर तिवारी जी, आप दोनों का इस डिबेट में स्वागत है। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा मधुर भंडारकर का, जो खुद मेरे साथ है, इस फिल्म के निर्देशक हैं, इस फिल्म के निर्माता हैं। मधुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मधुर थैंक्स मधुर जुड़ने के लिए। उमाकांत अग्निहोत्री कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के नेता इस वक्त हमारे साथ है नागपुर से, जो कि जमकर विरोध कर रहे थे इस फिल्म का, हमने तस्वीरों में देखा था। मेरे साथ आमिर रजा हुसैन साहब है, जाने माने थिएटर डायरेक्टर हैं, रंगकर्मी हैं। आमिर साहब मैं आपका भी स्वागत करूंगा, मशहूर क्लासिकल डांसर, पद्म विभूषण सोनल मानसिंह जी इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा ले रही हैं। सोनल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही बड़ा बहुत ही विस्तृत पैनल है। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ देर में इस डिबेट में शिरकत करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अलीमुद्दीन खान आपसे, सीधे मैं पूछना चाहता हूं क्यों दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को भाई, अगर एक फिल्म बन रही है आने दीजिए ना उसको। देखिए सर, बात फिल्म की नहीं है, फिल्म का कोई ऐतराज नहीं करता, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई ऐतराज नहीं करता और होना चाहिए भी नहीं। कर रहे हैं आप ऐतराज, नहीं, कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, देखिए इसके अंदर जो कहा गया है, इंदिरा जी की जो पोर्ट्रे किया गया है, इंदिरा जी जो जिसको अटल जी ने दुर्गा जी का नाम दिया था, उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अटल जी ने नाम दुर्गा जी का 71 में दिया था? हाँ बिल्कुल दिया था सर, अटल जी बांग्लादेश के बाद, अटल इमरजेंसी कब लगी? 75 में लगी, उसके बाद इंदिरा जी के बारे में क्या कहा दुनिया ने? देखिए सर, 75 और 77 के बीच में, देखिए सर, इंदिरा जी ने एक रिफॉर्म का कोशिश की थी करने की देश में, अगर रिफॉर्म करने की कोई कोशिश की गई थी तो उसको तोड़ मरोड़ के फिल्म में नेगेटिव रोल दिखाना, फिल्म देखिए, फिल्म तो दिखाई दे रहे हैं भंडारकर जी, आपको क्यों दिखाएंगे भाई, तो किसी को दिखाई दे रहे हैं ना, सेंसर बोर्ड ने बताया 17 कट, सेंसर बोर्ड तय कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड तो बीजेपी का बनाया हुआ है सर, उन्होंने फिल्म फाइनेंस किया है। आप लोग नहीं बनाते थे क्या? फिल्म फाइनेंस उन्होंने किया सर, हम तो कह रहे फिल्म फाइनेंस नहीं बनाते थे, ये उन्होंने क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं गुजरात में और कर्नाटक में, उसको देखते हुए इस फिल्म को बनाया गया है। इंदिरा गांधी इतनी कमजोर शख्सियत थी कि एक 2.5 घंटे की फिल्म से उनकी शख्सियत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इंदिरा जी आप न जाने जाने अनजाने में फिल्म का प्रचार कर रहे हैं आप लोग। इंदिरा जी इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उनके बारे में ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, इनके लिए इतना बड़ा चैलेंज थी, और कैसे पता मधुर भंडारकर इतनी बड़ा चैलेंज है। सामने मधुर बैठे हैं, मधुर से पूछ लेता हूँ, कहानी उनकी है, फिल्म उनकी है। मधुर भंडारकर, क्या इस फिल्म में इंदिरा गांधी का चरित्र हनन किया गया है, संजय गांधी का चरित्र हनन किया गया है, जो कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं? मधुर भंडारकर, देखिए पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये लोग ने 3 मिनट का ट्रेलर देख के रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कोई पर्सनल लाइफ की स्टोरी नहीं है, ना कोई बायोग्राफी है, ना व्यक्ति विशेष है, ये
ये फिल्म जो है इमरजेंसी के बैकड्रॉप को दर्शाती है, उस वक्त की घटनाओं को दर्शाती है, उस वक्त जो चीजें हुई थी उसको दिखाती है, आपातकाल जो 21 महीने की थी उसको दिखाती है। तीसरी बात, पिक्चर जो है जैसे कहा इमरजेंसी बैकड्रॉप पे है, मेरी कहानी जो है, मेरी पिक्चर में जो कैरेक्टर है इंदु, जो मेरी मेन लीड है, उसकी कहानी है, उसकी उसके पति के साथ उसकी अनबन की कहानी है, आइडियोलॉजी की कहानी है, उनके हिसाब से इमरजेंसी अच्छा है, इसके हिसाब से इमरजेंसी गलत है, पॉइंट ऑफ व्यू करके डाला है आपने। नसबंदी नहीं हुई थी क्या? खान साहब की गई थी 75-77 के बीच में। जहाँ पे दिल्ली गेट में चले जाइए तमाम किस्से मिल जाते हैं। संजय गांधी की फौज क्या कर रही थी इसके अंदर? खान साहब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, मैंने सुना है। बोलने दीजिए, आप मधुर को बोलने से मत रोकिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, उनको अपनी बात तो कहने दीजिए। मधुर भंडारकर, सॉरी, प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। आप नसबंदी बीच में बस्ती ले आए, मधुर भंडारकर। सुमित जी, मैं विनंती करूंगा आपसे, जब मैं बात करूं तो मुझे मेरा हक रखने दीजिए बात का, उसके बाद जो बात करेंगे मैं उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि जो ये कह रहे हैं कि नसबंदी या मीसा के तहत जो कानून की तरह हम लोग दिखा रहे पिक्चर में, ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। ये दूरदर्शन ने 5 एपिसोड बनाया है, आप बोलिए उसके, दूरदर्शन के बाहर जाके विरोध कीजिए, आप बोलिए एपिसोड निकाल लीजिए। कितने लोग ने डॉक्यूमेंट्री बनाया, आनंद पठौर जी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया, उनकी डॉक्यूमेंट्री अब निकाल दीजिए। कुलदीप नय्यर जी, कोमी कपूर जी ने किताबें लिखी इमरजेंसी पे, तो आप बोले उनका भी बुक बैन कर दीजिए आप। तो ये जो आजादी किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को है, किसी किताब जो लिखने वाले को है, ये मुझे क्यों नहीं है? मैं फिल्म क्यों नहीं बना सकता जब 40 साल इमरजेंसी की हुई थी 2015 में? तो कहीं लोगों ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करके डॉक्यूमेंट्री बनाया था, कहीं चैनलों में मैंने देखा कि जहां से कैरेक्टर्स भी लाए उस वक्त के जो सत्ता के लोग, बिल्कुल सही बात, नाम के साथ आपने दिखाया। आपको वो यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है, आपको उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन एक फिल्म को लेकर आपत्ति। जो मैं कह रहा हूं इमरजेंसी का बैकड्रॉप, ये कहानी बिल्कुल इमरजेंसी के उन लोगों की नहीं है, बैकड्रॉप में होना मेरी कहानी है। ये इमरजेंसी कहाँ लगी थी? दिल्ली में लगी थी। खान साहब, आप मुझसे बात करें ना, ये शो मेरा है, उनका नहीं है। सर, अशोक रोड से इसके कॉन्टेंट, खान साहब हम दिए सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। मेरे शो में हवा में बातें नहीं होती खान साहब, सबूत दीजिए। मेरे शो में हवा में बातें नहीं होती है। नहीं, बात सही है सर। आप लोगों ने आंधी के साथ क्या किया था? आंधी फिल्म के साथ क्या कहता इंदिरा गांधी ने? तो किसके साथ क्या था? क्या और क्या? क्यों नहीं रहेंगे? आप कुछ भी करेंगे, क्या बात कर रहे हैं? पार्टी को हमारे नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। अरे कहां कौन बदनाम कर रहा है? फिल्म आने तो दीजिए। मधुर भंडारकर सामने बैठे अपनी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काल्पनिक है, कह रहे कि बैकड्रॉप में फिल्म बनी है। सर, आप आने तो दीजिए। सारे इमरजेंसी के कंटेंट जो है सारे दिखाए जा रहे हैं। तो इमरजेंसी में क्या हुआ था इस देश में? काल्पनिक है सर, कोई काल्पनिक नहीं है। खान साहब, इमरजेंसी में लोगों ने सफर किया है, इमरजेंसी में लोगों ने सफर किया है, आम जनता ने, मीडिया ने, अखबार निकलने बंद हो गए थे, पब्लिश होने बंद हो गए थे, इंदिरा गांधी का डंडा चल रहा था, सॉरी संजय गांधी की जबरदस्ती चल रही थी, हम सब जानते हैं। कैसी बात कर रहे हैं खान साहब आप? वो जो भी कैसी बात कर रहे हैं? गई थी रिफॉर्म के लिए जबरदस्ती, कोई खान साहब सॉरी, रिफॉर्म की कोशिश की खान साहब, रिफॉर्म था वो, आज जिसकी आरएसएस वो रिफॉर्म था। सोनल मान सिंह को डिबेट में आना चाहूंगा, उसी की बातें कर रहे हैं आज बांग्लादेश में, खान साहब एक मिनट की बात कर रहे हैं, उमाकांत में आऊंगा। सोनल मान सिंह, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका सर हिल रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सुधांशु जी, मैं आता हूँ। सोनल जी, क्या रिफॉर्म की कोशिश थी इमरजेंसी लगाना इस देश में? आप लोगों ने तो देखा होगा, झेला होगा, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे। मैंने स्वयं झेला है और इमरजेंसी के कार्यक्रमों में शिरकत करने से मैंने मना कर दिया था। मुझे कहा गया कि आप नहीं आएंगी तो परिणाम के लिए तैयार रहिएगा, और ये बात स्वयं यशपाल कपूर ने मुझे कही थी, और फिर भी मैं कभी नहीं गई। तो मुझे सब चीज़ों से बर्खास्त किया गया, ब्लैकआउट मेरे पे टोटल, किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं, ग्रांट नहीं, अकोमोडेशन नहीं, रेडियो नहीं, टेलीविजन नहीं, पद्म अवार्ड वर्षों तक नहीं, यानी और जो मेरे बारे में यहाँ वहाँ बातें फैलाई गई। तो ये बात तो जाहिर है कि मैं तो छोटी सी कलाकार, कला साधिका हूँ, लेकिन मुझे भी झेलना पड़ा। जेल नहीं गई, इतना ही है, बाकी मेरी करियर लगभग समाप्त प्राय हो सकती थी जी।
बिल्कुल, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा, ये जानना चाहता हूं क्या एक फिल्मकार के पास इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म का टाइटल, फिल्म की स्टोरी तय कर सके कि उसको किस पर फिल्म बनानी है कि नहीं होना चाहिए? अरे ये भी कोई प्रश्न है, ये कोई प्रश्न है क्या? ऑफ कोर्स होना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और यदि इसमें बवाल होता है तो वो कितना गलत है। और ऐसा बवाल करने वालों का मन क्या कहता है कि जो इतिहास है और इतिहास पे आधारित कितनी सारी बातें, फिल्में, नाटक, कथाएं, नृत्य, संगीत हो चुके हैं, हो रहे हैं, बिल्कुल, उसमें इसको लेकर इतना बवाल करना तो यही बताता, दर्शाता है उनकी मानसिकता, क्यों डर रहे हैं। बिल्कुल, आमिर रजा हुसैन, आप भी कल्चर के एम्बेसडर इस देश के, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आमिर साहब, क्या मधुर भंडारकर ने इस फिल्म का सब्जेक्ट चूज कर गलती की कि वो इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर एक काल्पनिक फिल्म बना रहे हैं? आमिर रजा हुसैन। सर, मैं आपको क्या बताऊं, अब मधुर साहब हमें अश्योर कर रहे हैं कि दिस इज ओनली अ बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी, इतने बड़े कलाकार के वी शुड टेक हिज वर्ड फॉर इट, राइट? और एज ही सेड कि एक 3 मिनट के छोटे से उस पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फिल्म देखें। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हमको सबको है, फ्रीडम टू अब्यूज किसी को नहीं है, किसी को होना नहीं चाहिए, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये कि देर इज अ लॉ, देर आर कोर्ट्स, अगर कहीं मधुर साहब ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अब्यूज किया है तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जाइए। आप उनके खिलाफ दंगाबाजी करके और उनको, उनकी टीम को होटल में आप कैद करके या उनके प्रोग्राम कैंसिल करो, दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। अगर आपको कोई परेशानी उनकी फिल्म से, पहले तो फिल्म देखिए, ट्रेलर को मत रिएक्ट करिए, हम लोग सब, किसी ने फिल्म नहीं देखी है, हम रिएक्ट कैसे करें कि उनकी फिल्म अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, पहले उनकी फिल्म देखें, उसकी फिल्म पे अगर हमें कोई आपत्ति है तो हम कोर्ट जाएं, कोर्ट हमारे लिए, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन दंगा फसाद के दरवाजे तो बिल्कुल ठीक बात की आपने आमिर साहब, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं खुले हैं, बिल्कुल ठीक आमिर साहब, किसी बेसिस मेरे साथ उमाकांत अग्निहोत्री हैं, कांग्रेस के नेता जिन्होंने नागपुर में मोर्चा निकाला, अगर नसबंदी दिखाई है उन्होंने, मैं एक मिनट, उमाकांत अग्निहोत्री, उन्होंने नसबंदी दिखाई है, आपको नसबंदी से प्रॉब्लम है, आप कोर्ट में जाइए, बिल्कुल कोर्ट से आदेश, उमाकांत अग्निहोत्री, आप कानून हाथ में क्यों लेते हैं? देश के कानून पर, देश के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? आप मधुर भंडारकर को परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रू को घेर लेंगे, मारने पीटने की कोशिश करेंगे, ये क्या तरीका उमाकांत अग्निहोत्री? सुमित अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नागपुर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ये सरासर झूठे आरोप है हमारे ऊपर, और यही इनकी स्टाइल है अपनी पिक्चर को हिट कराने का। मधुर भंडारकर नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारे पत्रकारों को इनवाइट करते हैं, हम खुद मधुर भंडारकर से वहां मिलने गए थे कि आपने कैसी पिक्चर बनाई है, क्या कंटेंट्स हैं, उसके बाद में ये कमरे में, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कैंसिल नहीं की, इन्होंने किसी पत्रकार को नहीं बताया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर रहे हैं, ये खुद कमरे में बंद रहे, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर ये पत्रकारों को बताएंगे तो इनकी पिक्चर को आज ये सुमित अवस्थी जी के चैनल पे ये डिबेट नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं उमाकांत अग्निहोत्री, अरे क्या बात कर रहे हैं उमाकांत अग्निहोत्री, मधुर भंडारकर इस देश के जाने माने निर्माता निर्देशक है, मधुर भंडारकर को तमाम अवार्ड्स मिल चुके हैं, उमाकांत अग्निहोत्री उनको किसी चैनल की जरूरत नहीं है, आप अजीब स्थिति में बात कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है उमाकांत अग्निहोत्री, आपकी बात से मैं, उमाकांत अग्निहोत्री मेरे पास वीडियो है जो मधुर ने ट्वीट किया है, उन तस्वीरों में आप सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं हंगामा करते हुए, आप हंगामा करते हुए सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, मेरे पास वो वीडियो है, आपने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं किया था? मेरी बात सुनिए सुमित जी मेरी बात सुनिए, आप मधुर भंडारकर अच्छे डायरेक्टर थे, अरे वाह, मधुर भंडारकर ने अच्छी पिक्चरें बनाई थी, वाह, देश क्यों में क्योंकि कुरीतियां हैं उसको देख के बनाई थी, लेकिन आज मनोज भंडारकर बायस होके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरीके की पिक्चरें बना रहे हैं, और हमारे राष्ट्र, वाह उमाकांत जी, वाह, 1975 से 77 के बीच देशवासी किस चीज से गुजरे। सुधांशु जी, मैं बिल्कुल आऊंगा, माफी चाहता हूँ, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, सुधांशु जी मैं आप ही से शुरू करूंगा, लेकिन 75 से 77 के बीच देशवासी किस मुसीबतों से गुजरे वो कोई ना दिखाए,
केवल मधुर भंडारकर क्योंकि वो बीजेपी के नजदीक है, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, तो ये स्क्रिप्ट 11 अशोक रूट से तय की गई है। ये इल्जाम है कांग्रेस के इन दो नेताओं का। मैं आपको बता दूं हेडलाइंस बताने के पहले कि कांग्रेस ने औपचारिक तौर से अपने प्रवक्ता को इस डिबेट में नहीं भेजा है। कांग्रेस का यह कहना है कि हम फिल्म का प्रचार नहीं करना चाहते, लेकिन जो काम उमाकांत अग्निहोत्री जैसे और संजय निरुपम जैसे नेता कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या वो जाने अनजाने में मधुर भंडारकर की फिल्म को और मशहूर नहीं बना दे रहे और लोगों को देखने के लिए मजबूर नहीं कर दे रहे? यह कांग्रेस को सोचना होगा। खैर, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। उनके हिसाब से नसबंदी की गई थी 75-77 के बीच में, जहाँ पे दिल्ली गेट पे चले जाइए तमाम किस्से मिल जाते हैं। संजय गांधी की फौज क्या कर रही थी इसके अंदर? खान साहब, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, मैंने सुना है। बोलने दीजिए, आप मजदूर को बोलने से मत रोकिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, उनको अपनी बात तो कहने दीजिए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी हिंदू सरकार एक फिल्म से डर क्यों रही है? हमारा आज का सवाल भी यही जो आज हम पूछ रहे हैं आप लोगों से कि कांग्रेस का हिंदू सरकार का विरोध अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है क्या? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 88% लोग हैं। कांग्रेस के नेता इसको ध्यान से देख लें। और ट्विटर पोल के सामने नतीजे भी आपके सामने हैं, 84% वहां पर हाँ में जवाब दे रहे हैं। तमाम नेताओं को ये मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को, उमाकांत जैसे और खान साहब जैसे, कि देश की जनता जान रही है कि अगर मधुर भंडारकर कोई फिल्म बना रहे हैं तो उस वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी की उनको इजाजत मिलती है, ये संविधान देता है इजाजत। और सुधांशु जी, मधुर भंडारकर अगर इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाते हैं या उस पीरियड पर फिल्म बनाते हैं तो वो खराब निर्माता निर्देशक हो गए, जैसा कि उमाकांत अग्निहोत्री कह रहे थे अभी। अगर वो किसी और बीजेपी नेता के ऊपर फिल्म बना दें, उनके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी दिखा दें, तो वो कांग्रेस के लिए अच्छे हो जाएंगे। कांग्रेस ने अपने जमाने में मधुर भंडारकर को अवार्ड दे रखे। सुधांशु त्रिवेदी, ये कांग्रेस का सिलेक्टिव जो मधुर भंडारकर को लेकर फोबिया है, ये क्या है? देखिए आपातकाल क्या चीज थी, इस बात को आप ऐसे समझिए कि उस दौर में सिर्फ भारत की व्यवस्थाओं को ही नहीं ध्वस्त किया गया था, भारत की अस्मिता को ध्वस्त किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, पर आपातकाल के समय कांग्रेस ने कहा इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी एक प्रकार से अपने को भारत माता कह दिया। और साहब, ये बयान किसी कांग्रेस के छोटे मोटे नेता का चापलूसी में दिया गया बयान नहीं था, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान था। और आज तक कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके लिए खेद व्यक्त करके माफी नहीं मांगी है, तो ये आप समझ सकते हैं कि वो कैसी भयानक स्थिति थी। और आज 42 साल हो गए उस घटना को। देश की आबादी में जिन लोगों की उम्र 50 या इससे कम है, उनकी जीवंत स्मृति में आज इमरजेंसी नहीं है। इसका अर्थ हुआ 80% लोगों की जीवंत स्मृति में यह विवरण नहीं है, तो अगर वो आया तो इसमें क्या समस्या है? और मधुर भंडारकर ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। प्रतीकों में कोई बात कही गई है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, गांधी फिल्म थी, उसमें जिसको नाथूराम गोडसे दिखाया गया, प्रतीकों में दिखाया गया कि जो व्यक्ति बैठा हुआ गाड़ी में गुरु गोलवालकर श्री गुरु जी के गेटअप में है और वो आंख से इशारा कर रहा है कि जाइए, हमने तो उस पे हल्ला नहीं मचाया। और कांग्रेस पार्टी सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस पे बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी मांग के आपने प्रतिबंध लगा दिया। चलिए वो तो धार्मिक थी, सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, सुधांशु जी एक बार बताइए, आप तो कल परसों उनके गोपाल कृष्ण जी को लिस्ट बोल रहे थे, अभी सोनम गांधी बोल रहे हो, ये आपका जो दोगलापन है ये कब से ही हो गया यार? कुमार ने संजय गांधी के कार्यक्रम में आने से मना किया यार, कब से ही हो गए, कब तक ये दोगलेपन में जिए हो गए यार? एक तरफ तो कह रहे हो ये बात कांग्रेस पार्टी ये बात करती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, किशोर कुमार और सोनल मानसिंह पे प्रतिबंध लगा के, तो मैं ये कहूंगा ये पंचतंत्र की कहानी का रंगा सियार है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, विजय शंकर तिवारी जी, उमाकांत अग्निहोत्री और अलीमुद्दीन खान कांग्रेस के दो नेता यहां पर आकर बचाव कर रहे हैं अपनी पार्टी का और अपनी पार्टी के उन तमाम लोगों का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मधुर भंडारकर के खिलाफ, उनकी फिल्म के खिलाफ। आपको क्या लगता है कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता क्यों नहीं आता इस डिबेट में? ऑफिशियल प्रवक्ता को किस बात का डर है? यही कि सुधांशु जी सच्चाई बोलेंगे और उनको उनको जवाब देना नहीं आएगा? इनको अपने काले कारनामों से डर लगता है ये, और अपने काले कारनामे उजागर नहीं होने चाहते हैं।
अभी एक दो साल की बात है सुमित जी, एक पिक्चर आई थी और पीके पिक्चर आई थी और उसमें हिंदू देवी देवताओं के खुल करके मजाक उड़ाया गया था, लेकिन तब इनके प्रवक्ता बैठते थे और इनके लोगों के स्टेटमेंट आते थे कि अभिव्यक्ति की एक क्या यार, एक 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 आप बोल रहे हैं कांग्रेस में क्या हिंदू नहीं है, कांग्रेस में क्या हिंदू नहीं है, आप बोल रहे हैं कांग्रेस का हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, कांग्रेस के अंदर क्या हिंदू नहीं है, कांग्रेस सिर्फ क्या मुसलमानों की पार्टी है, क्या क्रिश्चियंस की पार्टी है, ये गलत स्टेटमेंट मत दीजिए, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, मेरे जितने देवी देवता हिंदुओं को पसंद है देश के उतने देवी देवता सारे हिंदुस्तान को पसंद है, मेरे खिलाफ हिंदू देवी देवता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है, मेरे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आपकी, मेरे खिलाफ सारे देश में मुकदमे डाल दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप लोग पीके पिक्चर का बचाव कर रहे थे, हिंदू देवी देवताओं का वहां पर खुलकर मजाक उड़ाया गया था, लेकिन ये इसका बचाव कर रहे थे, आज केवल आपातकाल में इनकी नेत्री के खिलाफ मतलब जो उन्होंने किया है क्या? उसकी सच्ची घटनाएं दिखाई जा रही हैं, वो दुर्गा जी का नाम लिया था इंदिरा जी, हां तो दुर्गा का अपमान, दुर्गा जी का नाम दुर्गा का अपमान पीके पिक्चर में भी, आप शर्म करो, पिक्चर में करो, अटल जी ने दुर्गा जी का नाम लिया था इंदिरा जी को, इंदिरा जी होती जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बदतमीजी कर रही थी, पाकिस्तान के जो दो टुकड़े किए वो इंदिरा जी कर रही थी, इंदिरा जी नहीं बांग्लादेश बनाया था, आज आप चैन पर रहे, चैन से रहे तो इंदिरा जी की मेहरबानी, दो ऐसे चेहरे हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, सुनील मानसिंह और आमिर रजा हुसैन, सुना ना आपने दोनों की बातें, उन लोगों ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ आप तो सांस्कृतिक लोग की बात होगी, नहीं होगी, मधुर भंडारकर सांस्कृतिक लोग है कि नहीं है, मधुर भंडारकर भी फिल्म मेकर है, उन्होंने फिल्म बनाई है, आप कैसी बात कर रहे हैं, सबूत दीजिए, आप बेतुकी की बात मत करिए, बेतुकी बात मत करिए, आप मुझे सबूत दीजिए, अलीमुद्दीन खान मैं एक घंटे का डिबेट दोबारा करूंगा, एक मिनट सबूत दीजिए, 11 अशोक गुप्ता स्क्रीन बनी है, पंजाब में उड़ता पंजाब एक पिक्चर बनी थी जी, तब ये लोग उसके समर्थन में खड़े थे कि नहीं ये दिखाई जानी चाहिए, उस समय वो ड्रग पे थी, वो ड्रग पे थी, वो फिल्म वो ड्रग्स पे थी, ड्रग्स कंट्री के अगेंस्ट, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, खान साहब सुनिए तो सही, नहीं वो फिल्म इसलिए आप सपोर्ट कर रहे थे कि वो उस वक्त की सरकार के खिलाफ थी, प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ थी, आप चुनाव लड़ रहे थे, आप क्या, अरे क्या बात कर रहे हैं खान साहब, डबल स्पीक नहीं, ये इनका खान साहब डबल स्पीक नहीं, ये इनका चेहरा है, ये इनका चेहरा है, खान साहब एक मिनट, खान साहब एक मिनट, खान साहब आपसे तेज आवाज भी बोल सकता हूँ मैं और एक भी शब्द नहीं बोलने दूंगा, लेकिन आप क्या बोलेंगे, आप झंडा आपने स्वयंसेवक किसानों को जेल में डाल करके उनके उनके एक मिनट आप नागपुर में तिरंगा नहीं लहरा सकते, ये आप खान साहब के किलर, खान साहब एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट, खान साहब आप क्या बोलेंगे, तिवारी जी खान साहब, तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी खान साहब एक मिनट, तिवारी जी को 20 सेकंड दीजिए, उनको बोलने दीजिए, वो आधे घंटे से बैठे आप लगातार बोल रहे हैं, अपनी बात पूरी करी तिवारी जी, ये इनका चरित्र है, दरअसल उड़ता पंजाब में ये उस पिक्चर के साथ खड़े थे और पीके पिक्चर में वो उस पिक्चर के साथ खड़े थे और ये इनका तर्क था कि अभिव्यक्ति की आजादी देश में होनी चाहिए, हम उसका विरोध कर रहे थे, कब विरोध कर रहे थे, जब हिंदू देवी देवताओं पर ये सरासर मतलब अपमानजनक सारी चीजें थी, दूसरी बात संघ के स्वयंसेवकों को कार्यकर्ताओं को प्रचारकों को जेलों में बंद करके सड़सियों से उनके नाखून उखाड़े गए, वो अगर इस पिक्चर में भंडारकर साहब दिखाएंगे तो मुझे लगेगा देश को उस समय की आपातकाल की सच्चाई दिखाई पड़ेगी, दूसरी बात उस समय नसबंदी करके, अरे भाई जब उस समय नसबंदी करके ये नाखून वगैरह सब झूठ दिखवाया आपने, उस समय नसबंदी करके लाखों लोगों को पता है गया, आज वो 40-40 साल के नौजवानों पर रिलीज होने से पहले पता कर रहे हो क्या है, ये कांग्रेस ने किया, पहले कैसे पता इनको फिल्म में क्या है, नहीं इनको कैसे पता, मैं बता रहा हूं, मैंने कहा डाला होगा तो अच्छा होगा, डाला होगा, मैंने कहा होगा बोला, मैंने डाला होगा बोला, होगा एक मिनट, मधुर भंडारकर लिखी है, अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, मधुर भंडारकर वहां बैठे हैं, मधुर भंडारकर मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, मधुर क्या इस फिल्म में आरएसएस को हीरो के तौर पर और कांग्रेस को जीरो के तौर पर दिखाया गया है, क्या जानबूझकर पोर्ट्रेट किया गया है अगेंस्ट इंदिरा गांधी, अगेंस्ट संजय गांधी, देखिए एक तो पहली बात तो ये लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड है और ये है, मैं आपको पहले बता दूं, पहलाज नीलानी जी जो इन्हों कहते हैं हमेशा 17 कट्स मुझे दिए, अगर ये स्पॉन्सर्ड होता तो मैं तो सीधा वहां से जाता, सर्टिफिकेट लेके घर निकल जाता ना पिक्चर का, 17-16 कट्स मुझे दिए और मैंने वही दिखाया है सुमित जी जो किताबों में लिखा है, शाह कमीशन ने उसके बारे में उल्लेख किया है, मैं को उसमें नया कुछ तो ऐड नहीं कर रहा हूँ,
और मैंने जब भी कहा इसका बैकड्रॉप है, आप टोटलिटी में पीछे देखिए, रियलिटी को आप नकार नहीं सकते। क्या आप इमरजेंसी को नकार सकते? आप बोल दीजिए इमरजेंसी नहीं हुई थी देश में, आप बोल दीजिए नहीं हुई थी। जो चीजें हुई थी आपके टाइम में बना सकते थे क्या? आपने आपके टाइम में बना सकते थे क्या? आपके टाइम में बना सकते थे क्या? क्या खान साहब कैसी बात कर रहे हैं? ये फिल्म आप एक साथ, अरे खान साहब आप लोग किसी फिल्मकार आपका चल रहा है, सॉरी सॉरी, प्रोमो आपका चल रहा है वो क्या दर्शाता है? खान साहब सॉरी, आप ऐसे लगातार बीच में मत बोलिए खान साहब प्लीज। मधुर भंडारकर मैं आपके पास लौटूंगा, सोनल मानसिंह मैं आपके पास भी आता हूं, अमर रजा हुसैन भी मेरे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहा है, मेरी मजबूरी है, लेकिन कुल मिलाकर ये बात समझ में आ रही है कि हिंदू सरकार से कांग्रेस पार्टी को बेहद दिक्कत है। सेंसर के ऊपर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि फिल्म हमको दिखाओ तब रिलीज करो, यानी सेंसर बोर्ड को देश से खत्म कर देना चाहिए। अब 24 अकबर रोड से फिल्में पास हुआ करेंगी, ब्रेक के बाद उसी में चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हिंदू सरकार फिल्म को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है, उसी पर हमारा डिबेट चल रहा है। हमारा सवाल सीधा सा, कांग्रेस का हिंदू सरकार का विरोध अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है? हाँ कहने वालों की संख्या 89% हो गई है। SMS पोल पर और ट्विटर पोल पर यह संख्या जो है वो 84% पर भी अभी बनी हुई है, वहीं की वहीं, यानी ज्यादातर लोग मान रहे हैं। उमाकांत अग्निहोत्री जी, ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। मधुर भंडारकर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो फिल्म बनाए दिखाएं, आप फिल्म को मत देखिए। और जैसा कि आमिर साहब ने कहा, आप कोर्ट में जाइए ना। जी बोलिए उमाकांत। सुमित जी ये चीज मैं मानता हूं कि मधुर भंडारकर को अभिव्यक्ति की आजादी है। मधुर भंडारकर जी ने बोला है कि वो एक काल्पनिक बैनर है, उसके ऊपर मैंने ये बनाई है, लेकिन वो काल्पनिक नहीं है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और RSS छुपी हुई है और वो उसको डायरेक्ट कराना चाहते हैं मधुर भंडारकर के माध्यम से। इसलिए हम चाहते हैं मधुर भंडारकर जी आपने क्या पिक्चर बनाई है जरा हमको बताइए तो कम से कम, क्योंकि आपने हमारी नेत्री के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर आपने पिक्चर बनाई है, तो इसलिए आप हमसे आप दुश्मन नहीं है। पार्टी ने जैसा किया आप हमारे साथ में हमको दिखाइए तो बताइए तो आपने क्या बनाया किया होगा, वो आप हमारे ऊपर दिखाया होगा, करेंगे हमारे ऊपर करेंगे, आप भी आप करेंगे, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। तमाकांत जी आप सच्चाई तो सामने आनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए हमारी मधुर भंडारकर जी हमारी सच्चाई आप नहीं दिखा रहे हैं, आप वो दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी RSS देखना चाहती है। क्या बात कर रहे हैं उमाकांत जी, उमाकांत जी सोनल मानसिंह डिबेट में बैठी हुई है, वो बता रही है कि किस हद तक चीजें चल रही थी। आमिर रजा हुसैन ने कहा कि एक फिल्मकार को आजादी होती है, आमिर साहब दोबारा हाथ उठा रहे हैं और आपकी चीखते आवाज के बीच में वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो क्या मैं आप पे ये इल्जाम लगा दूं उमाकांत अग्निहोत्री कि आप अभिव्यक्ति की आजादी जो मिली हुई है आमिर रजा हुसैन को, उसको आप कुचलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता ना, मुझे ये मौका सबको देना पड़ेगा ना कि डिबेट सबके बराबरी का है, ये डिबेट सबके लिए बराबरी का है। आप सुमित जी ये नहीं कह सकते, तत्वों को तोड़ मरोड़ के कैसे कह सकता हूँ, मैंने फिल्म देखी नहीं, जब ये मुझे फिल्म देखनी पड़ेगी ना, जो जो फिल्म रिलीज हो जाएगी 10 दिन के बाद देख लेंगे ना। नाखून आमिर रजा हुसैन की बात जो इन्होंने कही है, आमिर रजा हुसैन आमिर साहब एक प्लीज प्लीज आप राजनेताओं से मेरी गुजारिश है जो सभी लोग बैठे उनको बोलने दीजिए। आमिर रजा हुसैन काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, आमिर साहब सॉरी आमिर साहब बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये फिल्म मुझे दिखाइए, जी बिल्कुल कह रही है, आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है आमिर साहब। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये फिल्म मुझे दिखाइए, जी 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 आ रही है, अब आ रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि फिल्म मुझे दिखाइए फिर रिलीज करिए, कोई करनी सेना कहती है स्क्रिप्ट मुझे दिखाइए फिर शूट करिए, कोई राजपूत सेना कहती है कि आप पहले हमसे बात करिए फिर शूट करिए,
कोई और पॉलिटिकल पार्टी कहती है जी हम देखेंगे तो हमारे पास एक आ, 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 फिल्म सर्टिफिकेशन जो बॉडी है वो मजाक करती है, वो कहती है गुजरात आए तो गुजरात को निकाल दो, इट इज सेंसर्ड, हिंदू आए हिंदू को निकाल दो, मुस्लिम आए मुस्लिम इज सेंसर्ड. तो देर इज अ प्रॉब्लम इन द कंट्री. एवरीबडी स्टैंड्स अप एंड सेज के साहब मैं सेंसर बोर्ड हूं. राइट, सेंसर बोर्ड तो हमारे पास है ही नहीं, सर्टिफिकेशन बोर्ड है. और अगर सेंसर होना चाहिए तो सर्टनली डेफिनेटली नेवर पॉलिटिकल सेंसरशिप. आप वायलेंस पे सेंसर करिए जरूर करिए, सेक्स सेंसर करिए जरूर करिए, कम्युनल इंसाइटमेंट टू वायलेंस सेंसर करिए जरूर करिए, बट यू कैनॉट स्टैंड अप एंड स्टार्ट सेंसरिंग एनीथिंग विच यू डोंट वॉन्ट. वेरी ट्रू. पोलिटिकल सेंसरशिप, हाउ कैन यू हैव पोलिटिकल सेंसरशिप इन दिस कंट्री? सवाल ही नहीं उठता. इट्स अ डेमोक्रेसी. बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता. यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है. गो टू द कोर्ट. आई एम 100% विद यू आमिर साहब. सोनल मानसिंह, आप कुछ बोलना चाह रही हैं नेताओं को? जी सोनल मानसिंह, मैं ये कह रही हूं कि बात बात में कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाना, डेमोक्रेसी की बात करना, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करना, बात बात में इन शब्दों को लाना, लेकिन असली रियलिटी चेक जो हम देखते हैं तो उससे बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है. यदि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो अवार्ड वापसी भी नहीं होती. हम सब जानते हैं पिछले 2 वर्षों में क्या क्या हुआ. लेकिन मधुर भंडारकर जाने माने फिल्मकार हैं, सोनल मानसिंह जानी मानी कला साधिका हैं, अमीर रजा हुसैन जाने माने अपने फील्ड में हैं, सभी लोगों की आजादी अपने विचारों को अपनी कला के द्वारा अपने माध्यम के द्वारा अभिव्यक्ति करने का. और यदि बात बात में हम लोग ऐसे विसंवाद में पड़े रहेंगे, हर चीज में तर्क कुतर्क देखने के पहले ही हम कूद पड़ते हैं और आग जला देते हैं, ये जो एक परिवेश अभी बना है उससे हमें निकलना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट ओके. और ये तर्क कुतर्क नहीं, ये सिर्फ कुतर्क कर रहे हैं उमाकांत अग्निहोत्री. आप लोग अब 75 से 77 के बीच इस देश ने जो झेला वो क्यों नहीं दिखाया जा सकता? भाई मुझे बताइए आप, क्यों नहीं दिखाया जा सकता जब 71 पर फिल्में बन सकती हैं, 65 पर फिल्में बन सकती हैं, तो इमरजेंसी पर क्यों नहीं बन सकती? सुमित जी सुनिए, बिल्कुल बने. मैं इसके खिलाफ नहीं हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मधुर भंडारकर को अभिव्यक्त की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन मधुर भंडारकर की अभिव्यक्त की आजादी के पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं छुपा होना चाहिए. इस चीज पे मेरा आरोप है. क्या बात कर रहे हैं आप? जो चीज दिखाई मधुर भंडारकर ने, मधुर भंडारकर ने इसके पहले सत्ता बनाई, मधुर भंडारकर ने चांदनी बार बनाई, मधुर भंडारकर ने कॉर्पोरेट बनाई, उसके पीछे भी बीजेपी आरएसएस था क्या? क्या बात कर रहे हैं उमाकांत अग्निहोत्री? बगैर किसी सर पैर के आप और खान साहब बोल रहे हैं, आप मुझे प्रूफ दीजिए ना, आप मुझे प्रूफ दीजिए, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा मधुर भंडारकर के चेहरे पे. आज आपके पास कोई प्रूफ है नहीं? आप गाना देखिए जो इन्होंने फिल्माया है उसमें क्या दिखाया है. बाप आए हैं. कौन बाप है बताइए मधुर भंडारकर जी? आप कौन बाप है? कौन आया है? कितने गंदे तरीके से आपने फिल्माया है. आप हमारी राष्ट्रीय नेता, आप हमारे राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी का चरित्र हनन करने का काम कर रहे हैं. राष्ट्रमाता आजादी है. उमाकांत अग्निहोत्री राष्ट्रमाता बोल रहे हैं आप. कहे पर जो आप करेंगे उस पर कोई हम आपको परमिशन नहीं है. सोनल मानसिंह कुछ बोलना चाह रही है? मधुर आप जवाब देना चाहेंगे? ये एक्सेप्टेबल नहीं है. राष्ट्रमाता बना दिया. मैं ये कहना चाहूंगा, एक मिनट जी. मधुर योर चांस. स्मित जी, हेलो जी, बोलिए मधुर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है. हेलो मधुर, आई कैन हियर यू. हाँ, मैं बोला कि मुझे लगता है कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से इस तरह का पूना के अंदर हमें एक होटल में बने 2.5 घंटे तक हम नीचे नहीं आ सकते थे. जी जी. और जिस तरह से नागपुर में भी ये हुआ, बहुत गलत हुआ. और मुझे लगता है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, आपका हक है, डेमोक्रेटिक तरीके से कीजिए. जैसे आप कहते हैं कि कोई कांग्रेस वाला आता नहीं है शो में और वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते, ना दे. मेरा
यही विनती है जो सीनियर कांग्रेस के लोग हैं वो ट्वीट करें 140 वर्ड कि हम इस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये तो वुमेन सेंट्रिक सिनेमा है, वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी को सपोर्ट कीजिए। आप नीचे जितने अपने कार्यकर्ता है उनको बोलिए कि भाई इस तरह का बाधा ना डाले, इस तरह की चीजें ना करे, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बिल्कुल होटल में आके धरना ना दे। फिल्मों के बारे में, अपनी फिल्म फिल्मों के बारे में बीजेपी आप जनता से, आप जनता सुनिए क्या कॉन्टेंट जी 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 मधुर मधुर आपकी फिल्म के कंटेंट पहले से कैसे पता है इनको आरएसएस वालों को ये पूछना चाह रहे सर आप? अरे प्रोमो में दिख रहा है ना, जो दिख रहा है प्रोमो, दो मिनट का है सबके सामने दिख रहा है जो अभी इन्होंने बोला है। अरे ये तो होगा, मर रहे होगा, आपने ये किया है ये बताया, इनकी पिक्चर में क्या, हमने नहीं बताया, आपने जो किया है वो बताया, ये नहीं बताया कि पिक्चर में क्या, आपने स्क्रिप्ट 11 नंबर से मैंने मैंने आपने किया है वो बताया, ये नहीं बताया कि सुधांशु त्रिवेदी बोलना चाह रहे। सुधांशु त्रिवेदी उमाकांत में आता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, मेरा यह कहना है कि आज की कांग्रेस को अधिकार नहीं है इस फिल्म के बारे में कोई अपनी टिप्पणी देने का। उसका मेरा कारण दूसरा है सुमित जी, क्योंकि यह फिल्म जिस जमाने की है उस जमाने में कांग्रेस ने देश को ट्रेजरी दी थी, और आज की कांग्रेस कमेटी दे रही है। बिल्कुल, तो फिल्म के हिसाब से एक कमेडियन क्या किसी अधिकार किसी को दे ही नहीं रहे हो, इस सरकार अधिकार किसके पास है, रोड पे बोलने का अधिकार है, तो इसलिए मेरे विचार से कांग्रेस की आज की बात है आप अधिकार देखा रहे हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी की सरकार ने जो बोला, अरे भाई कांग्रेस में इतनी देर से शांत बैठा था यार, आधे घंटे से आप बोल रहे हैं, खान साहब, इस घर जाके इस पूरे डिबेट को देखिएगा, सबसे अधिक आप ही बोले हैं, लगातार आप बोल रहे हैं भाई, आप लगातार बोल रहे हैं खान साहब, ऐसे थोड़ी होता, सबको बोलने दीजिए ना। अब मैं इस पे आ रहा हूं, विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि संघ के लोगों के नाखून उखाड़े गए वो तो ठीक है, मैं बताना चाहता हूं देश के प्रतिष्ठित नेताओं के साथ क्या किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस के हाथ में हथकड़ी बांधकर रस्सी लगाकर गाड़ी के पीछे ले जाया गया, राजनीतिक नेताओं के साथ आपने ये बर्ताव किया। और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जब आप बात इसकी आती है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में एफएम हुसैन, सरस्वती माता, दुर्गा माता के बारे में आपत्तिजनक चित्र बनाएंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अर्जुन सिंह जाकर अयोध्या में एक ऐसी पुस्तक का विमोचन करेंगे जिसमें कहा जाएगा राम और सीता भाई थे, सीता माता की आपत्ति आपके लिए कुछ नहीं है। उमाकांत जी जवाब दीजिए इस बात का, बोला राष्ट्र माता इंदिरा गांधी के बारे में। उमाकांत अग्निहोत्री जवाब दीजिए इस बात का। मैं कहता हूँ ये राजनीतिक चापलूसी से उत्पन्न, बिल्कुल देता हूँ जवाब, देता हूँ मैं, बोलिए ना, बोलिए उमाकांत जी। कहना चाहूंगा सुमित जी, मधुर भंडारकर से एक चीज पूछना चाहता हूँ, सुनिए, जब आप राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी के ऊपर कोई चीज आप फिल्माइज करना चाहते हो, आप जब हिंदू सरकार बना रहे हो तो हिंदू कौन, हिंदू मतलब इंदिरा गांधी जी हुई थी, उस समय उनकी सरकार थी, आपको कोई जानकारी इंदिरा जी के बारे में लेनी है तो हमारे पास आइए, जानकारी लीजिए, आप हमसे कंटेंट लीजिए, आप बीजेपी वालों के पास जाके जो कुछ मधुर भंडारकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इंदिरा गांधी के बारे में जानकारी लेंगे, कहां से कौन सी जानकारी देंगे, वो जानकारी अपने हिसाब से आपको देंगे, जो लिखा है ये बताइए, जो ऑफिशियल बनानी है तो आप कांग्रेस के पास आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कांग्रेस के नेता के पास जो कुछ लिखा है शायद परिवार के सदस्य के पास देंगे, इंदिरा गांधी के बारे में जानने के लिए, अगर उनका गांधी के बारे में जानना है चेहरा बहुत गांधी परिवार के लोगों के पास जाने की जानकारी लेते, उमाकांत जी मेरे ख्याल से यही दिक्कत है, उमाकांत जी यही दिक्कत उमाकांत जी, मधुर सामने बैठे हैं, यही दिक्कत है कि आपने फिल्म के बारे में कुछ जाना ही नहीं। उमाकांत जी, जो आपकी लीड प्रोटैगनिस्ट है फिल्म में जिसका नाम हिंदू सरकार है, क्या वही इंदिरा गांधी है, क्या वही इंदिरा गांधी है? मधुर भंडारकर, अगर आप रिवील करना चाहें तो अप टू यू, इज योर स्टोरी। मधुर भंडारकर देखिए, मैंने पहले कहा है इंदू मेरे पिक्चर में मेरी हीरोइन का नाम है, उसके पति का नाम नवीन सरकार है जो कलकत्ता से दिल्ली आया हुआ है, अब जो शादी होने के बाद तो उसका हिंदू सरकार ही होगा ना, आप भी घुमा देखिए, मतलब इंदिरा गांधी का जो कैरेक्टर है वो हिंदू सरकार नहीं है, मतलब इंदिरा गांधी का कैरेक्टर हिंदू सरकार नहीं है। मधुर भंडारकर जी आप कितना गुमराह कर रहे हो, बिल्कुल नहीं है, मधुर भंडारकर जी आप कितना गुमराह कर रहे हो, क्या गुमराह कर रहे हैं, अरे साहब, अरे यार उमाकांत भाई, उमाकांत भाई साहब, मधुर भंडारकर बोल रहे हैं कि लीड एक्ट्रेस का नाम हिंदू है और वो नवीन सरकार से ब्याही है तो हिंदू सरकार नाम है आपका, उसका इंदिरा गांधी से मतलब ही नहीं है, उसका इंदिरा गांधी से मतलब ही नहीं है, आप क्यों घबराए हुए हो?
और ये घबराहट दिखाती है उमाकांत अग्निहोत्री की, कांग्रेस पार्टी की, अलीमुद्दीन खान की, कि दाल में काला है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती सच्चाई सामने आए, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती सच्चाई सामने आए, इसीलिए आप इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी इस देश की बड़ी नेता थी तो आने दीजिए ना एक फिल्म। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी चाहती है सच्चाई ही सामने आए। मधुर लास्ट ट्वेंटी सेकंड्स। ये कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा, ये लोग हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, जैसे उड़ता पंजाब की बात हुई है, दिल मुश्किल की बात हुई, मैंने भी उसका समर्थन किया, पिक्चर बैन नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद कहा कि किताब हो या फिल्म हो वो बैन नहीं होनी चाहिए, पिक्चर रिलीज होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज ये लोग जो कर रहे हैं, युवा जनरेशन, युवा पीढ़ी देख रहा है उनको, और ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है जो आप आज देख रहे हैं। युवा जितने यूथ ने मुझे सपोर्ट किया है सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा हम पूरे ग्रुप पे जाके मधुर, आई एम रियली सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा खासकर मधुर का और बाकी तमाम पैनलिस्ट का, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मधुर भंडारकर को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार वो एक सच्चाई से, एक ऐसे वक्त की कड़वी सच्चाई से क्यों भाग रही है, क्यों भाग भाग कर इस फिल्म को और हिट करा रही है। और देश वही लगभग पोल आ रहा है जो देश की जनता ने कहा।